हाय गाइस, हाउ आर यू। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप डायनेमिक सेप्टोमन क्रिएट कर सकते हो और डायनेमिक एसएसएल सर्टिफिकेट आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने वीपीएस सर्वर पे। सो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ से इस ब्लॉग पे आ जाना है। इस ब्लॉग पे आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने जिस डोमेन का भी आपको डायनेमिक सबडोमेन क्रिएट करना है उसका आपको ए रिकॉर्ड को क्रिएट करना है अपने डीएनएस के रिकॉर्ड में। चलिए हम अपने डोमेन प्रोवाइडर के डीएनएस के रिकॉर्ड में चलते हैं और वहाँ पर हम ए रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आपका ए लिखना है और यहाँ पर आपको स्टार मार्क लिखना है और यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस सिंपली ए रिकॉर्ड टाइप आपको ये चॉइस करना है, ध्यान रखना है। ओके, करने के बाद आप सिंपली इसको ऐड कर दोगे। तो मैंने पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है, तो मैं इसकी आईपी चेंज कर देता हूँ क्योंकि आईपी इज डिफरेंट। तो ये मेरे वीपीएस सर्वर का आईपी है, तो सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डीएनएस प्रॉक्सी को मैंने ऑफ कर रखा है क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ क्या ये मेरा डोमेन जो है इस सर्वर से परफेक्टली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है कि वेरीफाई करना है कि डीएनएस चेंज कि जो भी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड किया है वो सक्सेसफुली अभी तक वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ। उसके लिए आपको dnschecker.org पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अगर आपका डोमेन phpmaster.in या आपका डोमेन हो जाएगा, यहाँ पे आपको रैंडमली कोई एक टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे phpmaster.in कर देना है। ओके, इसको हम टेस्ट करेंगे। देख सकते हो मेरी जो आईपी है पॉइंट हो गई है मेरे सर्वर से सक्सेसफुली। ओके, तो सिंपली हम चलिए इसको भी हम एक बार ऐसे करके चेक करके देखते हैं कि चेक हो जाएगा। यस, आप इस टाइप से भी इसको चेक कर सकते हो, आपकी जो आईपी है सक्सेसफुली यहाँ पे पॉइंट हो जानी चाहिए। उसके बाद ही आप अपने आप इसको अपने वीपीएस सर्वर में डायनेमिक सबडोमेन आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या कहता है, कहता है कि एनजीनिक्स सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करनी है जिससे कि हमारी वेबसाइट रन करे। तो सिंपली हम अपने वीपीएस सर्वर में लॉगिन करते हैं एक बार। ओके, सो गाइज मैंने अपने वीपीएस सर्वर में मैंने अपना वीपीएस सर्वर को लॉगिन कर लिया है। तो चलिए इसके बाद हमें क्या करना था, हमें क्रिएट करना है अपने जैसे हम एक वेबसाइट को वीपीएस सर्वर में लाइव करते हैं उसी प्रकार से हमें एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है और वेबसाइट को लाइव कर देना है। तो सिंपली हम चलते हैं, मैं एनजीनेक्स सर्वर यूज कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर एनजीनेक्स सर्वर में मुझे अपनी वेबसाइट को होस्ट करनी है। तो सिंपली यहाँ पर मैं etc एनजीनेक्स के फोल्डर में आऊँगा, साइट्स एनेबल के अंदर में आऊँगा और यहाँ पे एक किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैं कॉपी कर लूँगा। जो पहले से वेबसाइट मेरी चल रही है उनमें से किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। ये कोड आप देख सकते हो, ये सेम कोड होगा बिल्कुल, यही कोड से आपको क्रिएट करना है फाइल। मैं सिंपली यहाँ पर cp यहाँ पर टाइप करता हूँ, विल्ड कार्ड। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर मैं विल्ड कार्ड वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली देख सकते हो गाइस, आपको ये रिकॉर्ड लेके आपको एक एनजीनेक्स सर्वर में आपको एनजीनेक्स कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिससे कि आपकी सबडोमेन वाली वेबसाइट चल जाए। तो सिंपली मैं इसको पोर्ट पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैंने विल कार्ड जो मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सिंपली पेस्ट ऑलरेडी हो रखा है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको मेरा जो डोमेन है क्या करूँगा, यहाँ पर star.phpmaster.in कर दूँगा। ओके, इतना कर लेने के बाद आप देख सकते हो मैंने इसे स्टार मार्क से करना है, यही आपका सब डोमेन है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे आपका तो सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैं कर लेता हूँ, ये आपसे फोल्डर को पूछेगा तो मैं यहाँ पे सिंपली विल्ड कार्ड कर देता हूँ, विल्ड कार्ड। ओके, इतना कर लेने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्या अगला स्टेप हमें क्या कहता है, ये ब्लॉक्स कहता है कि हमें टेस्ट करना है इस कमांड से कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करी है वो सक्सेसफुली कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। तो डुप्लीकेट लेसन फॉर द 443 साइट इनेबल देव कुरियर दुनिया डॉट सेव डॉट फाइल टेस्ट फेल्ड। ओके, मैं एक बार इसको एरर को फिक्स कर लेता हूँ।
सो गाइस मैंने वो एरर को फिक्स कर दिया है। तो सिंपली अब देखते हैं यहाँ पे मुझे सेकंड एरर मिल रहा है कि विल का नाम से कोई भी एरर फोल्डर वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा विल कार्ड। हम चलते हैं विल डब्लू डब्लू, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं विल कार्ड। ओके अब हम फिर से एनजीनेक्स से को रन करके देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी फाइल सब कुछ ठीक है। ओके इसी फोल्डर में हमारा जो वेबसाइट की जो साइट वगैरह सब कुछ इसी वेबसाइट में लाइव होगी। ओके तो अब हमें क्या करना है कि हमारे जो सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे सिंपली एक बार हम चेक करते हैं ये हमारे वी पी सर्वर से आई पी कनेक्ट है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसका अगला स्टेप हमें क्या बोलता है, ये हमें एनजीनेक्स सर्वर को रिस्टार्ट करना है। हम कमांड ये कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं, स्टार्ट कर दिया। अब एक बार हम एनजीनेक्स यहाँ पे इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्वर रन कर रहा है, सर्वर रन कर रहा है परफेक्टली। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब जो है हमारी जो वेबसाइट है सक्सेसफुली यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो सिंपली हम विलकार्ड डोमेन पे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे लिखते हैं हेलो डायनेमिक सब डोमेन। ओके चलिए आप देखते हैं एक्सेस करके साजी डॉट पी एच पी मास्टर डॉट इन। तो देख सकते हो हेलो डायनेमिक, आप यहाँ पे कुछ भी नाम डालोगे आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे सक्सेसफुली ओके यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे ओके तो ये डायरेक्टली एक फोल्ड आपके विल्ड कार्ड वाले सब फोल्डर में क्रिएट हो जाएगा। अभी जहाँ तक हमारा जो क्या हुआ है डायनेमिक सब डोमेन हमारे क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है कि इसका एसएसएल सर्टिफिकेट हमें रिन्यू इंस्टॉल करना है इस डोमेन के लिए। एसएसएल सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हो कि अभी इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है। ओके तो एसएसएल सर्टिफिकेट हमें क्रिएट करने के लिए हमें इसमें डीएनएस चैनल मैनुअली डीएनएस चैनल में जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो सिंपली आपको क्या करना है सेट बॉट आपको अपने एनजीनेक्स वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने सर्वर में। तो सिंपली आपको क्या करना है मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको क्या करना है आपको ये सेट बॉट अपने वीपी सर्वर में इंस्टॉल करना है। सिंपली आप ये वाला कमांड रन करोगे तो मैं एनजीनेक्स सर्वर में कर रहा हूँ तो सिंपली मैं एनजीनेक्स सर्वर के लिए मैं सेट बॉट इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आप अपाचे में कर रहे हो तो उसका डिफरेंट होता है, आप गूगल से फाइंड आउट कर लेना आप सेट बॉट कैसे इंस्टॉल कर सकते हो फॉर अपाचे। ओके तो मैं सिंपली इस कमांड को कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इंस्टॉल करता हूँ। ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है तो फिर से इंस्टॉल नहीं होगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे हम अपने डायनेमिक सब डोमेन के लिए हम सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। सिंपली आप हम यहाँ पे ये लिखेंगे, इसको हम कमांड को कॉपी करेंगे। कमांड कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम अपना डोमेन यहाँ पे मेंशन करेंगे और साथ में स्टार मार्क जरूर है। ओके इसको कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर डॉट आ रहा है, हम इस डॉट को हटा देते हैं। ओके उसके बाद हम क्या कह रहा है ये, इसके बाद क्या कर रहा है आपको एक डीएनएस रिकॉर्ड में एक टेक्स्ट को आपको ऐड करना है। ओके ये रिकॉर्ड है और ये वैल्यू है। ओके चलो हम इस रिकॉर्ड को ऐड करते हैं, यहाँ पे हम एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम चॉइस करेंगे टेक्स्ट टीएक्सटी। उसके बाद नेम पूछ रहा है आपसे, नेम आपको ये वाला ये डालना है, वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इसको आपको यहाँ पे से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है तो इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। अब यहाँ से एक बार ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ से कंटिन्यू करने से पहले ध्यान रहे आपका जो ये रिकॉर्ड है सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए डीएनएस रिकॉर्ड में, तभी आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपको चेकआउट करना है कि आपने जो अभी जो रिकॉर्ड आपने ऐड किया है वो सक्सेसफुली वेरीफाई है या नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे डीएनएस चैलेंज है, यहाँ पे हम टैक्स वालों को वेरीफाई करते हैं 4 मिनट 55 सेकेंड्स ये वैल्यू है टीटीएल तो ZHOO। ओके तो ये सक्सेसफुली हमारा जो है वैल्यू जो है हमारा जो ऐड हो चुका है ये रिकॉर्ड।
तो सिंपली अब हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, आपको यहाँ पे आके इसको वेरीफाई कर लेना है। इस सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को, रिकॉर्ड को वेरीफाई कर देगा आपके डोमेन को। तो सिंपली हम इसको क्लोज कर देते हैं। हमारा जो है सर्टिफिकेट, अब हमारा जो SSL सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुल जनरेट हो जाएगा। हम कंटिन्यू करते हैं, सर्टिफिकेट है हमारा जो है सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है। तो देख सकते हो ये सर्टिफिकेट है आपका, ये फुल चैन है, ये आपका प्राइवेट की है। अब इस आप इसको आपको NGINX के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है। इसके पाथ को कॉपी कर लेते हैं इसको हम। ओके, तो चलते हैं हम ATC NGINX। ये हमारा वील्ड कार्ड वाला था, कॉपी करते हैं। अब हम यहाँ पे हमें ऐड करना है। ओके, आते हम ब्लॉक में आते हैं, हमने इंस्ट्रक्शन को वेरीफाई फॉलो किया और इसको हमने DNS रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब हमें ये SSL सर्टिफिकेट अब हमें आपको वहाँ पे ऐड करना है। ध्यान रहे दोस्तों, जो भी नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया था, जो भी नेम, वही सेम नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम नोट पैड ओपन करते हैं। एक रिकॉर्ड हमारा ये मिला था, दूसरा रिकॉर्ड हमें ये मिला था, ये नहीं था, ये था। ये दो रिकॉर्ड हमें मिले थे। इसके आगे हमें SSL सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे ऐड करना है। इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपली इन इस दोनों को कॉपी करते हैं हम पूरा। ये मुझे कहाँ से मिला, जब मैंने सर्टिफिकेट को जनरेट किया तो वहाँ पे मुझे ये पाथ लिंक मुझे मिल गया था। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, सर्वर के नीचे जस्ट एक एंटर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके माउस से इसको पेस्ट कर देंगे। इसको अब हमें सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब हमें सबसे पहले टेस्ट करना है कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करी हो सक्सेसफुल है या नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे अब कमांड रन करेंगे NGINX -T डायरेक्टिव इनवैलिड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन SSL सर्टिफिकेट डायरेक्टिव्स साइट्स एनेबल विल कार्ड। चलिए देखते हैं क्या एरर है। ओके, तो हमें यहाँ पे, हमने यहाँ पे बोल गए, हमें यहाँ पे लगाना है सेमी कोलन दोनों में। सिंपली अब हम इसको सेव कर देते हैं। फिर से हम टेस्ट करते हैं क्या हमारे कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल है, कोई एरर तो नहीं है। नो SSL सर्टिफिकेट की डिफाइन फॉर सर्टिफिकेट इन पेज पे मास्टर डॉट इन प्राइवेट की। अगर हम फाइल पाथ चेकआउट कर लेते हैं, यही था ना, एक सेकेंड गाइस।